अरे डॉगी, हो वाह, देखो देखो, मुझे नहीं लग रहा, आई डोंट फील लाइक दैट। और पीछे देखोगे ना मेरे बोर्ड है वैरू रिजॉर्ट का, ठीक है अभी आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चेयर्स विद चेरी। बहुत दिनों के बाद आज गाइड पे जा रहे हैं। देखो काफी दिन हो गए, हो ही रहा है ना, बारिश इतनी हो रही है कि यार कभी जाने का मौका ही नहीं बन रहा है, लेकिन आज स्पेशल दिन है। मसकली, तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो वैसे तो आज है 13 अगस्त, बट हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की राइड पे केटीएम ग्रुप के साथ, ठीक है। बहुत दिन हो गए थे राइड पे नहीं गए थे, बारिश का मौसम रोज ही हो रहा है। आज भी देखो अभी मौसम क्लियर नहीं है, अभी भी बारिश हो रही थी और अभी रास्ते में हो भी सकती है, लेकिन बहुत दिनों से हम कहीं गए नहीं, तो आज तो जाना ही था और इंडिपेंडेंस डे राइड तो सेलिब्रेट करनी ही थी। अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ घंटाघर पे और मिलेंगे आपको यहाँ पे भी, कुछ इंडिपेंडेंस डे की ही राइड हो रही है। आज तो घंटाघर की आवाज़ भी सुनाई दे गई। देखो तो देहरादून में रहते हुए ना, मेरे को 2 या 3 बार ऐसा चांस हुआ होगा कि मेरे को बैल सुनाई दी होगी यहाँ पे घंटाघर की, तो आज वो दिन है। और आप लोगों ने भी सुन ली होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे हो आप लोग वीडियो। मेरे ख्याल से 10 लोग के आसपास आ चुके हैं, मेरी अभी बात हुई थी। पिछली बारी में तो सबसे पहले था, इस बार भी टाइम 7 बजे का था, बट मैं थोड़ा आराम से निकला हूँ क्योंकि पिछली बारी क्या हुआ था, मैं सबसे पहले गया था 8, 8:30, 9 बजे थे स्टार्ट होते थे राइड, और आज वैसे भी मौसम ऐसा ही है, तो ऐसा कुछ है। अब मिलते हैं आपको शोरूम में ही जाके। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया होगा कि ये कुछ आवाज़ कर रही थी बाइक, तो मैंने उसका तो सोल्यूशन ढूंढ लिया था, वो कुछ भी नहीं था। जो इसका मिरर है वो लूज रखा था, तो वो मैंने टाइट कर दिया था। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी शूट करा था, बट अगले दिन का वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वो छोटा सा वीडियो था। उसके बाद मैंने सोचा अगले दिन कोई राइड मारूंगा तो उसी में इंक्लूड कर दूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मौका ही नहीं मिला, बारिश इतनी हो रही थी ना तो कहीं जा नहीं पाए। अभी मुझे ये नहीं पता कैमरा सेटअप कैसा चल रहा है, तो अभी वहाँ पर जाके ना एक बार पहुँच के चेक कर लेंगे। फ़ोन भी आने लग गया। तो गाइज ये देखो, आप देख रहे होंगे सारे के सारे रेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सब निकलने के लिए तैयार हैं। क्या हाल है? वेलकम बैक टू चेयर्स विद चेरी वंस अगेन। राइड हो चुकी है स्टार्ट, हमें राजपुर रोड पे अभी निकले हैं शोरूम से, मेरा ही वेट कर रहे थे सारे के सारे, ठीक है। और मैं ही सबसे लेट हुआ हूँ आज, पिछली बार सबसे पहले था तो इस बार सबसे लेट हुआ हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा तो मेरा सारा का सारा ना फोकस बड़ा ख़राब हो गया था कैमरे का, ठीक है, रोड पर सही पड़ नहीं रहा था तो राइड ख़राब हो गई थी। आज मैं ऑफ कर रहा हूँ, सब ठीक होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसी होने वाली राइड है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर की राइड। अभी यहाँ से फ्यूल अप भी कराएंगे बहुत सारे लोग, अपना तो फ्यूल अप है भाई। ओके, फ्यूल अप। क्या हाल है भाई साहब? मैंने कहा आप दिख नहीं रहे मुझे, मैंने सोचा आप आ नहीं रहे हो। तो गाइस फ्यूल ब्रेक ख़त्म, अब चलते हैं राइड पे। और आज ना वैसे देखो रोड भी गीली है, बारिश का भी कोई पता नहीं कब आ जाए। भाई ने तो अपने रेन गियर ऑन कर रखे हैं। तो गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, लेट्स डू अ राइड। मेरे ख्याल से ना ज़्यादा सेफ्टी से चल रहे हैं सब लोग, क्योंकि ना सड़कें गीली हैं तो ज़्यादा स्पीड पकड़ नहीं रहे, बहुत आराम से चल रहे हैं। देखो 40 की स्पीड में चल रहे हैं, और तो वो हो रहा है कि यार राइड पे आदमी को लगता है कि हाँ चलो 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 और चल ही रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है कि कब चलेंगे। एक अलग ही खुशी होती है दिल में कि भाई इंडिपेंडेंट डे की राइड पे निकले हुए हैं, ठीक है, तो मज़े करते हुए जाएंगे। बट यार स्लो स्लो राइड मार रहे हैं, चलो देखते हैं, थोड़ी देर लगेगी मेरे को लगता है, इंजन चार्ज हो जाएंगे सबके थोड़ी सी देर में। ये हुआ इंजन चार्ज पहला वाला, अब करेंगे लोग चार्ज।
कोई भी ना सेकंड नंबर पे नहीं चल रहा, पता दिक्कत ये हो रही है, इसलिए ना बाकी सारे पीछे होते जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे अगर कोई चलेगा ना ठीक स्पीड में तो सारा का सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। सिस्टम बनाना पड़ेगा। और आगे अब रोड सूखी भी नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी आज, क्योंकि इंडिपेंडेंट डे राइड है तो आज बारिश भी आ जाए। थोड़ी देर कैमरा ही बंद करना पड़ेगा बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बहुत प्यारा रास्ता स्टार्ट होता है यार। मैं फर्स्ट टाइम गया था पिछली बारी, ठीक है, जब मैं राइड पे आया था। अब सेकंड टाइम है, पिछली बारी थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे हो गया था। इस बार देखते हैं, होप करेंगे सब बढ़िया जाएगा। आज मैंने 10 या 15 दिन बाद कोल्ड स्टार्ट किया है बाइक को, तो यार वो भी था ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाइक निकाल के जा ही नहीं रहा था मैं कहीं। ये तो हो चुका है मजेदार वाला रास्ता स्टार्ट। अब यहाँ से देखो व्यू आना चाहिए क्लास। मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा वगैरह सब सही चल रहा हो, पिछली बार यहीं कहीं पर व्यू खराब हो गया था सारा का सारा और मजा ही खराब हो गया वीडियो का। यहाँ पे देखो लोग शेयर करते हैं, अच्छा लगता है। पहली वाली राइड पे जब मैं गया था तब तो मैं बहुत इजीली चल रहा था, ऐसे पीछे चल रहा था, देख रहा था क्या होता है राइड में, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको नॉर्मल चलते रहना है, अगले वाले को फॉलो करते रहना है ठीक है। और आपका जो लीडर होता है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता है, तो वो सोच समझ के चलता है इस हिसाब से कि किसी को दिक्कत ना हो आगे से लेके पीछे तक, जितने भी बंदे हैं ना। तो मैं ये कह रहा था अपना जो लीडर होता है ना आपका, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो आपको इस हिसाब से लीड करता है कि आगे से लेके पीछे तक जितने भी बंदे आपके साथ चल रहे हैं ना, वो उनको दिमाग में रखता है और उनके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से चलता है ताकि सब कंफर्टेबल होकर चल सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये देखो जन्नत स्टार्ट। ये वो पार्ट है जो अलग ही है दुनिया से। देखो भाई क्या जगह है, जगह में खो गया था मैं, ज़्यादा ही कुछ कोने में घुस गया था, मगर देखो तो सही क्या जगह है। यहाँ पे हमने पिछली बार फोटोशूट कराया था, इस बार नहीं करा रहे हैं, कहीं और कराएंगे। यहाँ पे थोड़ी स्लिपरी रोड है, देखो पहाड़ है, बारिश है, पानी है, सब कुछ है, तो इसलिए ये दिक्कत होती है। अभी देखो इन भाई ने अकेले अचानक से ब्रेक मार दी। आगे देखो धुंध है, आगे कोहरा है, कोहरा बिल्कुल कोहरा पड़ा हुआ है आगे। देखो क्या बढ़िया मौसम है यार, आगे क्या ही व्यू है, कुछ दिख रही है नीचे एक्सट्रीम। ये देखो ये सारा का सारा फॉग है, देखो गाइस कितना बढ़िया नजर आ रहा है, आगे से कुछ नजर ही नहीं आ रहा, और नीचे देखो उधर भी फॉग है पूरा।
अभी हमने एंटर किया है फॉग में, ऐसा लगा मुझे जैसे एंटर करते हैं ना हम किसी जगह में, वैसे ही फॉग में एंटर हो गए हम। ऑलराइट ऑलराइट, तो भाई हम पहले वाला ही रूट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो हम सेम रूट पे हैं, बस हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है क्योंकि इस बार थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं ना। तो गाइस ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखो यार अब ऐसा भी होता है राइडों में। वो वाला एक शॉर्टकट है जो नीचे वाली रोड से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो हम शॉर्टकट नहीं ले रहे। उसका रीज़न ये है कि अगर किसी का कैमरा ऑन होगा ना आगे वालों का, तो हम कैमरे में आ जाएंगे उनके, ये बेनिफिट होगा। तो वो देखो, और अब मैं हूँ लास्ट नहीं हूँ, सेकंड लास्ट हूँ और कैमरे में आया हूँ, यही तो चाहिए था। तो ये है पहला स्टॉप, चलो 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 चलो। ओके, सब ब्रेक का। तो गाइस ये आ गया है वाटर क्रॉसिंग फर्स्ट, हमारा फर्स्ट ही रहेगा, मतलब ये तो मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं थी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, मगर दिस इज सो फन। अच्छा ये वाली वाटर क्रॉसिंग तो हमें रोड में मिलती रहती है, ये वाली मिल गई पहली बारी। ये देखो क्या फॉग है, वाह क्या नज़ारे हैं, आगे सामने फॉग नज़र आ रहा है बहुत ही खतरनाक वाला। अभी जब राइड की शुरुआत हुई थी ना तो हम बहुत स्लो स्लो थे, लेकिन अब जो फील आ रहा है ना इस समय वो थोड़ा अलग है, नेक्स्ट लेवल। अब इन्होंने इधर को गाड़ियाँ लगा के फोटो लेनी है। हाँ जी ठीक है ओके, ये तो फंस जाता चिपक जाता है। हाँ तो हल्की हल्की से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ का पैच देखोगे ना आप तो भयंकर ऑफ रोड वाला है, मजेदार एकदम खतरनाक। देखो रोड बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, डबल रोड हो रही है, और यहाँ पे हो रखी है ऑफ रोडिंग टाइप का ही मामला सारा का सारा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल तो लीड करेगा, नहीं इजी है। अब यहाँ का रोड ना ऐसे मिलने वाला है क्योंकि यार पहाड़ों वाला बारिश, पहाड़ों वाला रास्ता है ना। देखो पिछली बार हम आए थे ना ये पूरी रोड बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास थी, एक आधी जगह पे टूटा फूटा था, बट इस बार तो देखो क्या क्या मिलता है, देखते हैं। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, अगर बारिश तेज हुई तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। फिलहाल तो चलते हैं,
वाइजर में वाइपर होना चाहिए यार। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? ब्रो 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 बारिश हो रही है अभी भी और कैमरा मेरा ऑन है लेकिन बारिश हो रही है बिल्कुल हल्की, तो देखते हैं अभी कहाँ तक जाना है। तेज हो गई तो फिर रोक के यार संभालना पड़ेगा सामान। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई, कैमरा कैसे बचाऊं या बंद कर दूं? थोड़ी देर देखते हैं, अगर तेज हो गई ना बंद करेंगे फिर। ओ तेरी भाई क्या कर रहा है, अरे वाह सेकंड वाटर क्रॉसिंग यार, इस बार तो मजा ही आ गया। मगर ये हो रहा है कि बारिश पड़ रही है यार, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कैमरे के लिए। एक और वाटर क्रॉसिंग जबरदस्ती वाली। मैं चाहता था आपको ये वाला रूट दिखाऊं क्योंकि हम इससे आगे नहीं गए थे, हमारा जो लास्ट वाला कैफे था वो पिछला पीछे रह गया है, बट फिलहाल हम चल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार ये बारिश थोड़ी देर रुक जाए। ये बहुत प्यारा रूट है यार, तो बारिश हो गई है तेज, मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो गाइस कैमरा दोबारा सेट किया है, अभी बारिश हो रही थी ठीक है, अभी रुकी थी हल्की हल्की, अभी मैंने जैसे कैमरा लगाया मुझे लग रहा है फिर से बारिश शुरू हो गई है। बट ये ट्रेल इतना प्यारा है ना, मुझे आपको दिखाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं ठीक है। इसमें नदियाँ भी बीच में निकल गई, इतनी प्यारी प्यारी नदियाँ ठीक है, बीच में बहुत सारा ये नेचर तो है ही ठीक है, पहाड़ एक तरफ खाई और क्या कहते हैं बीच में ऑफ रोडिंग भी मिल रही है, बढ़िया सी ऑफ रोडिंग, फिर वाटर क्रॉसिंग आ रही है, बढ़िया बढ़िया बहुत मज़ेदार है। देखो सच बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें तो निकल गई ठीक है, आते हुए पता नहीं अब मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी वो भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो है उसके मजे ले लो। अब ये देखो बीच बीच में ऐसे ट्रेल आ जाते हैं, ये देखो क्या प्यारी सी नदी दिख रही है यहाँ पे, क्या नदी है यार, क्या वाटरफॉल, अरे भयंकर मज़ा आ गया। देखो कैमरा लगाने का फ़ायदा तो हो गया, ये देख लो क्या व्यू है यहाँ का, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। फिर से बारिश स्टार्ट होगी यार, ये था वो वाटरफॉल है बहुत प्यारा सा, मगर ये फिर से बारिश स्टार्ट होगी, कैमरा लगाते ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये लो एक और वाटरफॉल आ गया भाई, मतलब वाटर क्रॉसिंग आ गई, वाटरफॉल नहीं जज्बाती हो गया मैं, आओ दिखाता हूँ आपको ये वाटर क्रॉसिंग क्या प्यारी जगह है। ये तो बहुत इजी थी, पहले जो निकली ना वो हार्ड थी थोड़ी, क्योंकि ये तो प्लेन था पूरा का पूरा, वहाँ पे बीच में पत्थर थे, और अगर आप नीचे का नज़ारा देखोगे ना भयंकर खतरनाक ही नदी चल रही है नीचे, बहुत भयंकर। क्योंकि बजाज दोनों को इंडिया में मैनेज करता है तो फिर KTM के साथ डोमिनर दिखना नॉर्मल सी बात है, बुलेट वाले नहीं दिखते। ये देखो क्या टर्न है, सीरियसली हम बहुत ऊंची जगह जा रहे हैं, मतलब शहर से बहुत ऊंचाई पे। इसका रोड देखोगे ना यार कितनी छोटी सी रोड है, ये भयंकर है, अलग ही लेवल, अलग ही नेक्स्ट लेवल। आओ ऑफ रोडिंग करें थोड़ी सी, बस ये तो ब्रेकर से भी कम है हमारे मोहल्ले के, बेइज्जती करा दी इसने तो।
मगर ये देखो व्यू 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 व्यू, क्या नज़ारे हैं यार, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। आगे देखो फॉग है और ग्रीनरी है, एक तरफ खाई है, भयंकर भयंकर। और ये क्यूट सी रोड, भाई बाइकर्स की ज़िंदगी में तो रोड ही होती है, या क्यूट होगी या फिर बेकार होगी, या हॉट होगी या सेक्सी होगी, होगी या तो बाइक या होगी रोड। अरे एक और वाटर क्रॉसिंग, भाई ये कैसा पेड़ है यार, मुझे ऐसा लग रहा है इस ये पेड़ किसी और चीज़ का है, और इस पर किसी और चीज़ की ये जो खाई कोई लगी ना, ये किसी और चीज़ की है। अरे डॉगी, तो डॉगी ने अटैक करने की कोशिश करी है हम पे, और हम थोड़ा पीछे छूट गए थे क्योंकि डॉगी था, तो हमें रुकना पड़ा भाई, क्या करते कटवाते थोड़ी, और गिर भी नहीं सकते थे, ऐसी रोड पे स्लिप हो जाएंगे, है ना। और डॉगी बड़ा खतरनाक था, भोटिया था, जो असली भोटिया होते हैं ना वो था वो। एक और वाटर क्रॉसिंग, नहीं मैंने तो ऑन कर लिया कैमरा, लगा लो अब तो, क्योंकि हल्की है अभी तो फिलहाल, और क्या तेज हो गई तो डाल देना फिर। एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, और हो ही रहा है ना, वो लोग भी रुक के ना, ये मूड खराब हो रहा था उनका कि यार कैमरा यूज नहीं कर रहे हम, बट मैं बहुत ज्यादा इस पे कर रहा हूँ। अब देखो ये वाली एक और वाटरफॉल आया प्यारा सा, बहुत अच्छा है यार। तो उन लोगों को ये लग रहा था कितने प्यारे मूवमेंट निकल रहे हैं, है ना, तो सही बात है निकल रहे हैं, मजाक नहीं। इस रूट पे तो हर जगह कुछ ना कुछ निकल रहा है, कुछ ना कुछ मिस कर दोगे आप। आगे चल रही है जेसीबी, उसका भी कारण यही है कि क्या होता है कहीं पे भी ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे रोड ख़राब हो जाती है तो इनको क्लियर करते रहना पड़ता है। हल्का सा पास मांग लेते हैं भाई से, क्या मौका मिलेगा दे देगा। देखो देखो, थैंक यू। ये देखो अब ऑफ रोडिंग भी सारी की सारी यहाँ पे है, साथ में वाटर क्रॉसिंग और बैंक रोतरी। और भाई यहाँ पे ना 800 जा सकती है, देखो 800 जैसी गाड़ी कहीं भी जा सकती है। अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है आगे, भाई जी कह रहे थे पास ले लो, बट ऐसा था ना आगे कुछ दिख नहीं रहा, कोई और आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा। लोगों की नजरें हैं, नजरें देखो ऐसे वाले ना पहाड़ों में भी ना रिएक्शन मिलते हैं, लोग दो चार ही होंगे अगर देखेंगे आपको पलट पलट के। और अभी तो मैं अपने साथियों को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में कई सारे ब्रेक लग गए मेरे, उसका कारण यह है कभी कैमरा, कभी कुत्ता, कभी ऐसे वाले टच। जूते गीले हो गए मेरे, बट जूतों की परवाह है किसे, अगर ये लोग तो बड़ी दूर तक नजर नहीं आ रहे यार। शिट 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 शिट, कहीं ये रुक तो नहीं गए, बस यही डर है, बाकी कोई डर नहीं मुझे। ओके ओके, दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए। अच्छा ये रोड थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, तो सारे स्लो हो गए, तो मुझे लगा कहीं निकल गए हो, कहीं आगे दूर या पीछे दूर कहीं रुक गए।
वाह, देखो 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 भाई, देखो क्या नज़ारे हैं। और ये है सबसे मेरे ख्याल से टफेस्ट वाटर क्रॉसिंग अभी तक की हमारे रूट की, तो यहीं से शुरुआत होगी इसकी। भाई ने तो गाड़ी रोक दी, और ये नहीं पता क्यों रोक दी। इतना मुश्किल भी नहीं था, मुझे नहीं लग रहा, आई डोंट फील लाइक दैट। मगर थी बड़ी प्यारी। एक और एक और एक और एक और वाटर क्रॉसिंग, एक और वाटर क्रॉसिंग, भयंकर मजा आ गया। इस बारी मैं अभी खड़ा होके जाऊंगा, ठीक है, नहीं जाऊंगा। ये तो स्मूथ थी, जो भी रोड थी ना नीचे सीमेंटेड पक्की थी, तो पत्थर नहीं थे। जहाँ पे पत्थर होते हैं वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, प्लेन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ओ ओ, ओ, ओ क्या लुक है, क्या नज़ारे हैं। तो गाइस देखो, हम यहाँ से आए हैं नीचे से। ये वाला वाटरफॉल जो दिख रहा था ना, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा था मेरे ख्याल से, ये वीडियो में आ गया था, उसके बाद जाके कैमरा बंद किया था हमने शायद। तो गाइस एक और ब्रेक खत्म हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे रुके थे। और यहाँ पे देखो क्या क्लास वाटरफॉल है यार, हल्का सा पानी गिर रहा है बट नज़ारे अलग ही अल्टीमेट। बट इसका ट्रायल जो है ना यार, ये देखो क्या ट्रेल है, ये देखो वाटरफॉल पे वाटरफॉल आ रहे हैं, वाटरफॉल पे वाटरफॉल। आपको ये फायदा होता है जब लोग आपके आगे चल रहे हो ना, तो आप कर्व में थोड़ा सा अंदर घुस सकते हो, ठीक है, कोई आगे ना हो ना, फिर आपको डाउट रहता है कि आगे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे ये लोग चल रहे हैं तो इनको देख के अंदाजा लग जाता है भाई कि कितना अंदर घुसना है कोने में और कितना बाहर रह के कर्व मारना है। ये फ़ायदा होता है जब आप फर्स्ट पे नहीं चल रहे होते, सारा काम फर्स्ट वाले का होता है। ये बहुत ही बढ़िया सा ना, ये अगर आप देखोगे पानी चल रहा है साथ में, ये नाली नहीं है, ये पहाड़ों से आने वाला पानी है, बिल्कुल साफ और क्लियर। आगे जाके नदियों में गिर रहा होगा जो नीचे वाटरफॉल चल रहे ना। अब ये देखो इन्होंने मुझे बता दिया यहाँ पे कोई था, हम हो गए साइड। और गाड़ी के साथ फॉग उड़ता हुआ आ रहा है वापस, आगे भयंकर फॉग हो गया। यार फॉग आ रहा है, फॉग फील हो रहा है, फॉग हमारी तरफ बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। राइड बड़ी ही ना स्लो हो गई है इस समय, क्योंकि एक तो ये रोड बड़ी ख़तरनाक है, स्लिपरी रोड, ठीक है, नीचे देखो पूरा खाई है, ठीक है, और पूरी की पूरी रोड स्लिपरी है और फॉग ही फॉग नज़र आ रहा है। नारायण गांव पहुंच गए हम, नारायण गांव। क्या फॉग के क्या नज़ारे हैं ना, देखो 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 यार, कितने प्यारे जगह है यार। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ देखा कैसे कैसे पत्थर पड़े हुए हैं रोड पे। और आपके आगे जब कोई और गाड़ी होती है ना, तो आपको दिखता नहीं है कि रोड पे क्या है, जैसे कि इसके साथ हो रहा था। बट मैंने इसको देख के मैं थोड़ा सा सेफ रहा। ये देखो यहाँ भी ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, ओके ओके। तो ये चीज़ है जो थोड़ा सा देखना पड़ता है ऐसी रोड पे। वाह 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 वाह, क्या फॉग है,
तो भूख लगने लगी भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी सच में। राइड मारते मारते ना भूख लगी भूख। तो रोड पे ही पानी है और पानी पे ही रोड है। ये देखो पत्थर पत्थर गिरे हुए हैं ना, तो जैसे भी पीछे से आ रही थी ना, वो ऐसे होता है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ये देखो ये है खतरनाक वाली, नहीं छोटी वाली वाटर क्रॉसिंग। यहाँ से थोड़ा सा आगे देखो ना बाइकर्स गायब हो जाते हैं अपने वाले, दिखते भी नहीं है, इतना फॉग है। इस समय तो यार फॉग इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे कि कुछ कह नहीं सकते आप। तो फॉग बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और यही फॉग ना कभी भी बारिश की तरह गिर जाता है। इस फॉग को आप धुंध वाला फॉग मत समझो, बादल वाला फॉग समझो। ये बादल हैं जो कभी भी बरस जाएंगे। द पेरू रिजॉर्ट देख लो लोकेशन। तो ये था हमारी लोकेशन, रिजॉर्ट में हम गायके लगाते हैं और यहाँ पे सारा ना कीचड़ हो रखा है। अगर इन्होंने यहीं मुझे रखवा दिया तो मुझे कीचड़ में पैर रखने पड़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वहाँ तक चलता रहूँ जहाँ तक मैं पैर नीचे ना रखूँ और मुझे सही जगह मिल जाए। और ये ठीक है। तो फाइनली हम पहुँच गए। तो गाइस मुझे टाइम लग गया सबसे ज़्यादा, ठीक है, हेलमेट वगैरह सेटअप सेट करने में। अभी हम आ चुके हैं पेरू रिजॉर्ट, ठीक है, और इधर चल रहा है वाटरफॉल, आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे देखोगे ना, मेरे बोर्ड है पेरू रिजॉर्ट का, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। सही बना हुआ यार। ओके तो ये खड़े हैं अपने बंदे। ये बहुत बड़ा है यार, नीचे देखोगे ना आप यहाँ पे बड़े सारे ऐसे ही लॉज बने हुए हैं। तो गाइस देखो ज़्यादातर लोग तो लगे हुए हैं कैमरा लेके, ठीक है, और यहाँ का व्यू देखो आप, दिखेगा नहीं ज़्यादा दूर तक क्योंकि चारों तरफ है फॉग तगड़ा वाला। लेकिन जो लोकेशन है ये बड़ी ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स यार पीछे देखो क्या बढ़िया व्यू है, ठीक है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है ये। अगर आपको मैं नीचे दिखाऊँ ना, दिख रहा है, हाँ, तो ये सारे के सारे ना ऐसे करके ये बहुत सारे नीचे बने हुए हैं, हर टाइप के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। वहाँ पर जाके बैठो, इन्जॉय करो। आज फॉग ज़्यादा है तो नीचे का दिख भी नहीं रहा है, बट है बहुत ही बढ़िया। और हम बैठेंगे अंदर यहाँ पे, ठीक है, जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था ना गोल सा, बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। तो पूरी की पूरी वैली नज़र आती है इधर से, लेकिन फॉग के कारण आज तो कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन फॉग के मज़े अलग हैं यार, ठीक है। अगर नॉर्मल दिन में आते ना तो ऐसा मज़ा कभी नहीं मिलता। यहीं से देखो कुछ भी दिख नहीं रहा है ऊपर। चलो अब कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है वापसी के टाइम। तो गाइस बूफे लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर मिलेंगे अब आपसे। तो फ्रेंड्स बाइक को पे पहुंच चुके हैं, देखो गाड़ियां खड़ी हैं सारी लाइन पे खड़ी होने वाली हैं। मैं अभी यहां खड़ा हूं और सीन यह है कि बारिश शुरू हो चुकी है, तो अभी शायद चलते हुए तो शूट मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी बाद में देखेंगे, अगर कहीं बारिश रुकेगी तो करना शुरू करेंगे शूट। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस मैंने सोचा आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, बाकी लोग हमारे साथ के ना पता नहीं कहाँ रह गए, पीछे नज़र कोई नहीं आ रहा। तो हम यहाँ रुके हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं नदी के नज़ारे हैं। और बैटरी बिल्कुल लो हो गई है, चार्जर में लगा सकता हूँ बाइक पे, बट ये है कि बारिश आ रही है।
तो देखते हैं, अगर फ़ोन ऑफ हो गया ना तो वीडियो भी कहीं ना कहीं एंड कर देंगे या घर जाके एंड करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा व्यू ले लो आप यहाँ का।